हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं आरडीपीबी थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर बीटेक मैकेनिकल के जो बच्चे हैं बेटा, उनको थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा, उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे बेटा। और साथ ही साथ मैं कुछ क्लासेस रन करता हूँ, तो उस क्लासेस की डिटेल्स भी आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। देखो, बेसिकली मुझे मैकेनिकल वाले बच्चों से बात करना था, तो ये वीडियो सबसे अच्छा माध्यम है एक बच्चे से बात करना। कुछ ऐसी गलती होती है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे थर्ड सेमेस्टर में करने हैं, वो गलती आपको नहीं करना है बेटा। मैंने भी करी थी वो गलती, लेकिन वो गलती आपको नहीं करना है। वो गलती क्या है, उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे बेटा, आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका सिलेबस। देखो बेटा, जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका मैथमेटिक्स 3 है, एंड सभी को पता है कि ये मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 और मैथमेटिक्स 3, ये तीन मैथमेटिक्स आपको बीटेक में पढ़ना पड़ता है बेटा। और आरडीपीबी का जो मैथमेटिक्स 1, 2, 3 है, ये आपका टोटल गेट का सिलेबस है। मतलब आरडीपीबी ने क्या करा, गेट में जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना था उसी को मैथमेटिक्स 1, 2, 3 में क्या किया बेटा, डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ बेटा आपको, कि आप अगर आगे गेट के लिए जाते हैं तो आप वो सारी चीजें पढ़ के पहले से रखे होंगे जो आपको गेट एग्जामिनेशन में पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये एक सबसे अच्छी बात है आरजीपीबी की। और सारे सब्जेक्ट्स में भी बेटा वही है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस उतना रखा गया है। एक दो चैप्टर कभी आगे पीछे हो सकता है जो आपके गेट एग्जामिनेशन में। चलिए तो बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं गलती की। गलती क्या है ना, हम लोग को ये लगता है कि हम लोग अभी सेकंड ईयर में आए, हमारी इंजीनियरिंग अभी 3 साल की। लेकिन अगर आप फैक्ट जानोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सेकंड ईयर होता है ना, वो कम से कम आपका 60% ऑफ इंजीनियरिंग को क्या करता है, कवर करता है। बाकी का जो आपका थर्ड और फोर्थ ईयर है, थर्ड में 20% और फोर्थ में 20%। लेकिन ये बेटा, ये जो 20% निकल कर आता है ना, ये इसी 60% से निकल कर आता है। इसका मतलब ये है बेटा कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको स्टडी करते हैं, और थर्ड और फोर्थ ईयर में उसी थ्योरी और प्रिंसिपल का को अप्लाई कैसे करना है वो पढ़ते हैं। होता क्या, हम लोग थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, थर्ड सेमेस्टर का नॉलेज नहीं होता है। आगे अपन को क्या करना पड़ता है बेटा, जो उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपन को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। मतलब जब वहां पर पिछली वाली बातें आती, पिछली वाली चीजें आती हैं, तो बोलेंगे यार हम लोगों को तो पढ़ा ही नहीं था। तो नहीं बेटा, आप अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, सेकंड ईयर आप मन लगाकर पढ़ो, आपका इंजीनियरिंग का 60% पोर्शन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बता दूंगा कि थर्ड सेमेस्टर का कितना इंपॉर्टेंस है आपके SSC एग्जाम में, कितना ये थर्ड सेमेस्टर महत्व रखता है, और आपके गेट एग्जामिनेशन में ये कितना महत्व रखता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अब दम नहीं रहा। यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना एक मजाक है जो हर बच्चा पास कर लेता है। तो फिलहाल अब मैं उसके बारे में बात नहीं, एक जमाना था मैं बात किया करता था, लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में बात नहीं करता हूं। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हीट के बारे में अपन जानेंगे, हीट का इंट्रैक्शन कैसे होता है सराउंडिंग के साथ, सिस्टम के साथ, हीट की जो प्रॉपर्टीज है वो जानेंगे बेटा। और इसका सीधा सीधी एप्लीकेशन आपके IC इंजन में, और एक आपका सब्जेक्ट होता है HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर, और HMT के बाद एक और सब्जेक्ट होता है आपका RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज नहीं है, तो आप इसमें कितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग लगा लो, आपको घंटे से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा बेटा, तो फिर आप आगे क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपको आगे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, आपको बताने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका मटेरियल टेक्नोलॉजी। देखो, अगर आपको बाय द वे एक मशीन बनाना है, और वो मशीन चलते चलते कितना होता है बेटा, 100 डिग्री तक मान के चलो गर्म हो जाता है, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा जो उस 100 डिग्री को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। पर अगर आपने ऐसा मशीन बनाया, दूसरे दिन वो चला, 24 घंटे चलने के बाद वो पिघल कर गिर गया, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ स्टडी होती है, कि आप कौन से मटेरियल से कौन सा मशीन बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़नी रहती है बेटा, मटेरियल टेक्नोलॉजी में पढ़ना रहता है, जहां पर आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, तभी जाके आप
कौन सा मटेरियल कहां पर यूज होगा इसका आपको नॉलेज होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद Me304 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नाम तो सुना ही होगा, सोम है ना। मतलब यार सोम के लिए लोग कहते हैं कि बड़ा टफ है, बड़ा बदनाम सब्जेक्ट है, बदनाम है कि बड़ा टफ है एंड ऑल दिस थिंग। नहीं यार, ये टफ नहीं। देखो ऐसा बच्चा जो मैकेनिक्स, देखो सभी को पता है हम लोगों ने मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा। मैकेनिक्स का यूज आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में होता है। अगर आप सोम नहीं पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे चल के आप मशीन डिजाइनिंग MCD मशीन कंपोनेंट डिजाइनिंग, और 8th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता मशीन डिजाइनिंग, आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। तो एक बात आप समझो कि अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको सोम का नॉलेज होना चाहिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपको सोम को फील करना होगा। जो बच्चा सोम को अच्छे से पढ़ रहा है, सोम को फील कर रहा है, उससे मजा आ जाएगा इंजीनियरिंग करने में। और अगर इंजीनियरिंग का मजा नहीं लिए आप लोग बेटा, तो फिर आगे चल के इंजीनियरिंग आपका मजा लेंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अभी सारे सब्जेक्ट्स को मन लगाकर पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो यार, मजा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, सीखोगे ना इंजीनियरिंग। देखो यार, भले लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं इंजीनियरिंग ऐसा वैसा, लेकिन मैं बहुत कायदे से देखता हूँ, क्योंकि बड़े बहुत कायदे से पढ़ाई किए, संसाधन कम थे, दिमाग ज्यादा लगाया। आपके पास संसाधन ज्यादा है तो कम दिमाग में भी आप अच्छा अचीव कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं बेटा 305 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये आपके पूरे क्या बोलते हैं उसको, जो फैक्ट्री वगैरह में कौन सी चीजें कैसे बनती है ना, आपको शीट बनाना है तो वो कैसे बनेगा, आपको गमला बनाना है तो वो कैसे बनेगा, एक कोई कंपोनेंट बनाना वो कैसे बनेगा, रोलिंग करके फॉरिंग करके, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ये आपको फैक्ट्री वाला जो काम होता है ना कि कौन सी चीजें कैसे बनती है, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सिखाया जाता है। अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि सर थर्ड सेमेस्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मेरे मुंह से एक जवाब निकलेगा कि ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं गेट एग्जामिनेशन में। मैथमेटिक्स 3 से कम 4 से 5 मार्क्स पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स 6 है, हर साल 7 मार्क्स पूछ रहा है इज्जत से। मटेरियल टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 मार्क्स का आता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका 12-11 मार्क्स का आता है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसमें और भी पार्ट्स हैं, तो सारा पार्ट मिलाकर आपका 16-17 होता है। लेकिन अगर सिर्फ इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप पढ़ोगे तो 4 मार्क्स तो कम से कम आपके आ ही जाएंगे, जोड़ लेना। SSC में भी सारे, इस मैथमेटिक्स 3 को छोड़कर SSC एग्जाम में सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अगर आप चाहते हो अपना फील्ड, मतलब गवर्नमेंट फील्ड में जाना, या तो फिर गेट क्वालिफाई करके MTech करना, या तो किसी प्राइवेट संस्थान में जुड़ना, तो बेटा आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बेटा, मैं पढ़ाता हूँ अभी फिलहाल मैथमेटिक्स 3 का क्लास अवेलेबल है आपके लिए, आपके लिए सोम का क्लास अवेलेबल है। अगर मैं फ्री हुआ तो थर्मोडायनेमिक्स का भी क्लास मैं पर्सनली लूंगा, और अगर मैं नहीं ले पाया तो मैं देख रहा हूं कोई ऐसा फैकल्टी जो थर्मो आपको अच्छे से पढ़ा पाए, तो बेटा मैं थर्मोडायनेमिक्स का भी आपके लिए क्लास अरेंज करूंगा। तो प्लीज जो गलती बच्चे करते हैं वो गलती आप मत करो, पास होने के लिए मत पढ़ो। अगर आप पास होने के लिए पढ़ते हैं बेटा तो फ्यूचर आपका थोड़ा सा मतलब डार्क है, एंड अगर आपको नॉलेज है तो आप कहीं ना कहीं जॉब पाके तरक्की भी कर लोगे, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे रहे यार हम तो जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाती है बेटा, लेकिन ग्रोथ तो आपको अपने नॉलेज से करना है ना। क्यों, अगर आप मुझे देख रहे हो भाई, तो जाहिर सी बात है अगर मैं ग्रो करूंगा मेरे अंदर नॉलेज नहीं तो ग्रो कैसे करूंगा। हाँ, अगर मेरे अंदर नॉलेज है तो मैं सोम पढ़ा रहा हूँ, जाहिर सी बात है सोम पढ़ाऊंगा मुझे फीस मिलेगा। M3 मुझे आता है, M3 पढ़ाऊंगा तो मुझे फीस मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो मुझे फीस मिलेगा। तो नॉलेज है तभी तो पढ़ा पाऊंगा बेटा, अगर नॉलेज नहीं तो कैसे पढ़ा पाऊंगा, मैं कैसे ग्रो करूंगा। तो ये सारी चीजें सभी पे लागू होती है। तो मेरे सारे छोटे भाई, ऐसा नहीं कि आप मेरे स्टूडेंट, जो भी इस वीडियो को देख रहा है सारे मेरे छोटे भाई से बढ़कर हैं, आप सभी मेरे भाई हैं। अच्छे से पढ़ो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो फाड़ दो, पढ़ के दिखा दो कि हम क्या से क्या कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो मैथमेटिक्स 3 और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप डेमो एंजॉय करो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, मैथमेटिक्स 3 का। आपको अगर अच्छा लगता है तो रीजनेबल फीस पे 799
पे आपको मैथमेटिक्स 3 और 799 पे आपको सूम मिल जाएगा। अगर आप बाहर कहीं पढ़ने जाते हो या तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में आपको कम से कम 4000 रुपये लगेगा, और वो क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा उसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप 1600 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो ये दो सब्जेक्ट तो मैं आपके कन्फर्म करवा दूंगा। और दुआ करो बेटा कि थोड़ा समय मिल जाए ताकि मैं इस सब्जेक्ट को भी करवा पाऊँ, क्योंकि अगले बार मैं नहीं करवाया था समय की कमी की वजह से। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स मैं पढ़ाऊँ, खुद से पढ़ाऊँ, तो आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखे, ये आपके थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, सभी को मन लगाकर पढ़िए, ठीक है बेटा। दो चीजें तो मैं आपको करवा दूंगा, तीसरे के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। एटलीस्ट कोर्स लेना ना लेना वो आपके ऊपर में, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दो। मैकेनिकल वाले हो, मैं भी मैकेनिकल का हूँ, एटलीस्ट अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे अपने ब्रांच के बच्चों को तो फिर मैकेनिकल वाले भाई भाई वाला हिसाब किताब हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप डेमो एंजॉय कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, मैथमेटिक्स 3 का। अगर आपको अच्छा लगता है, जरूरत पड़ेगा तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं अब आपसे डेमो क्लास में। बाय बाय।